बात मत करो, सुन लो क्या पढ़ा है। 5 पॉइंट एक में समझ लो एक बार मोटे मोटे तरीके पर, अब तक पढ़ा क्या, ताकि 5 पॉइंट 2 समझ पा जा। ठीक, समझ लो एनसीएफ। अब हम समझ रहे हैं एक्सरसाइज कौन सी, 5.2। चलो जो बताओ, बात करो, बात बंद करो। एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट होने जा रही है, ध्यान से समझना अच्छे तरीके से। ठीक, फोकस करो, पहले समझ लो एपी है क्या। समझ लो एपी है क्या, क्या समझाया गया था। हमने समझाया था एपी किसे कहते हैं, एक ऐसी श्रेणी हो, एक ऐसी श्रेणी जिसके सभी पदों का अंतर समान हो, एक ऐसी श्रेणी जिसके सभी पदों का अंतर समान हो उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। समांतर श्रेणी जो सबसे शुरू में लिखे जा रहे हैं, सुन लो, 2 में 1 घटाओगे 1, 3 में 2 घटाओगे 1, 4 में 3 घटाओगे 1, पूरी श्रेणी में तो कहीं से भी दूसरे पद, मतलब पहला पद घटा दो, सेम आया ना, तो वह एपी है। एपी का मतलब वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी, एक ऐसी श्रेणी जिसके सभी पदों का अंतर समान हो उसे बोलते हैं समांतर श्रेणी। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? ठीक, देखो ये एपी है जो बोर्ड पर लिखी जा रही है, 2, 4, 6, 8, 10 है, पक्की बात। ठीक, एपी आया, क्यों तुम्हें कैसे पता लगे एपी है, 4 में 2 घटाओगे 2, संबंध घटाओगे, सेम नहीं बैठ रहा। एक ऐसी श्रेणी जिसके सभी पदों का अंतर समान हो, तो एक ऐसी श्रेणी जिसके सभी पदों का अंतर समान हो, पूरी श्रेणी में तो घटाकर दो बैठ रहा, इसका मतलब ये एपी है, पता लग गया। दूसरे पद मतलब पहले पद घटाएंगे, एपी है। अब उसके बाद हम तुम्हें समझाए थे भाई, जो एपी के सबसे शुरू में लिखा जाना हो, एक अमान हो, उसे बोलो प्रथम पद, प्रथम पद, फर्स्ट टर्म। और जो उसके बाद जो पूरी परिश्रेणी में अंतर हो ना, अंतर हो, उसे हम सर्वांतर बोलो, उसे डी से प्रदर्शित करो, डी का नाम हो सर्वांतर, सर्वांतर, कॉमन डिफरेंशिएशन। दूसरे पद बताओ पहले पद घटाओ हमेशा, जैसे 4 इसमें तो घटा दिया 2, ठीक, तो घटाएंगे अंतर कितना जाएगा 2, तो डी का मान कितना आया, ऐसे निकाल लो। पूरी श्रेणी के अंदर तो कहीं से भी दूसरे पद में पहला पद घटा दो, पूरी श्रेणी के अंदर था ना कहीं से भी दूसरे पद में पहला पद घटा दो, तो डी का मान निकल जाएगा। कितने मान निकालने, 2, एक तो ए का मान, एक डी का मान। जिस बच्चे ने एक और डी का मान निकालना सीख लिया ना, वो राम तुम इस चैप्टर का राजा हो, राजा, राजा क्या है, सवाल क्या, सवाल सवाल को बता क्या बोल लगा, आजा। अब लगने वाला तुम्हारा नंबर, एक एक बच्चे तो पूछ जाओ क्या बताया गया। ठीक, फोकस लगा, इस एपी में जो पहला पद वो कितना, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस एपी में कितने पद दे रखे टोटल, 1, 2, 3, 4, 5 दे रखे। ठीक, अगले वाला क्या होगा, 10 में 2 जोड़ेंगे, 12 नहीं जाएगा, अगले वाला कितना होगा। ठीक, मेरी बात सुन लो, तो ए का मान निकालना सीख गए, जो किसी भी एपी के सबसे शुरू में लिखा होगा वो किसका मान होगा, पूरी एपी में तो कहीं भी दूसरे पद में तो पहला पद घटा दो, किसका मान निकल जाएगा, जो बच्चे ए का और डी का मान निकाल लेंगे उसके बाद भी उस पूरी एपी का कोई सा भी पद निकाल सकते हैं। जैसे मैं कहने लोगों, इस एपी में तुम टोटल कितने पद पता, 5 पद पता, मैं कहने लोगों इस एपी का, इस एपी चुप, इस एपी का 12वां पद निकालना, 12वें नंबर पर क्या आएगा इसमें, इसमें 12वें नंबर पर क्या आएगा, तो 12वें नंबर पर अगर निकालना हो ना तो ये फॉर्मूला अप्लाई करना, इसे बोल लेंगे ए प्लस के 11d, जो चीज यहाँ से ना यहाँ कम करके लिखना। जैसे मैं कहने लगा इस एपी का ना मुझे 18वां पद निकालना, 18वां, तो 18वां ए 18 बराबर ए प्लस के 17, ऐसे लिखेंगे। जैसे मुझे इस एपी का ना उन्हें निकालना 50वां पद निकालना, इस एपी का 50, अच्छा 50वें पद का मतलब पता क्या है, 50वें पद का मतलब पता क्या हो, 50वें नंबर पर इसमें क्या होगा, जिक्र यहाँ देखो, यहाँ पहले नंबर पर कह रहा 2, दूसरे पर कह रहा 3, पर कह रहा 4, पे क्या आ रहा 5, पे क्या आ रहा 50वें पे क्या आगा, तो 50वें पे क्या आगा ये बतागा, देखो क्या आगा 50वें पर, ए 50 बराबर ए प्लस के 49d। तो एपी का अगर कोई सा भी पद निकालना ऐसे निकाल ले करो, शॉर्टकट तरीके से निकाल दोगे, तो चलो 12वां पद निकाल के दिखाओ उसका, 12वां ए बराबर ए का मान होता कितना, ए का मान 2 प्लस 11 गुणा डी का मान बताओ, डी का मान 2, तो कुछ बच्चे पता क्या कर, 11 में 2 जोड़ दो, गलती कर, पहले गुणा करनी जब सही आंसर आएगा, 2 प्लस 11, 2 पता लग गया। तो बताओ इस एपी में ईआईपी जब चलती जाएगी तो 12वें नंबर पर कितना आएगा, पक्का समझ लीजिए, 12वें नंबर 24 आएगा, समझ गया। चलो इसमें बताओ, इसमें 18वें नंबर पर क्या आएगा, यहाँ गुणा करके देखे, ए का मान बताओ कितना, ए का मान 2 प्लस 17 गुणा डी का मान कितना, 2, पता लग गया ना, पहले गुणा करनी, 2 प्लस 17 दूनी 34 और 2 दूनी 36, इस एपी में 18वें नंबर पर क्या आएगा,
18 नंबर पर 36 आएगा, पता करो इसे भी में 50वें नंबर पर क्या आएगा पता करो, तो पता करो कि ए का मान बताओ कितना, दो नहीं है ये क्या 49 नहीं है, उन्हें डी का मान दो जोड़ने के लिए पहले पहले गुणा करेंगे, दो पर 49 दूनी 98, 98 दो जोड़ेंगे 100, तो इसे में इस एपी में बताओ 50वें नंबर पर क्या आएगा, कोई दिक्कत है इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं किसी बच्चे को प्रॉब्लम यहाँ तक, अगर कोई एपी दे रखी हो और एपी में एपी दे रखी हो उसके शुरू के 3-4 पद दे रखे हो और कोई सा भी पद निकालने को पूछो निकाल दोगे, अब तुम्हारा नंबर आ लिया, नंबर आ लिया तुम्हारा एक एपी मेरे पास, ठीक ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से, माइनस एक माइनस तीन माइनस पाँच माइनस सात एपी है, एपी है पहले लिख रखा है जिसके सामने लिख देना एपी है, एपी है, चलो एक मान बताओ जो शुरू में लिखा रहा है कमान, अब निकालो डी का मान, चलो माइनस के तीन घटाना पड़ा इस मत से घटाना पड़ेगा, ज्यादा उसे आना पड़ा देख लो कैसे घटागा, माइनस लगाया फिर माइनस के एक ऐसे, माइनस के तीन में तो माइनस के घटाना, माइनस के तीन में तो माइनस के घटाना, एक नहीं घटाना माइनस के घटाना, अब देखो डी बराबर माइनस के तीन माइनस माइनस प्लस हो, डी बराबर बैठेगा घटाएगा माइनस के दो ये आगा, अरे ऐसा करना तमीज तो हो सुमो होगा, उल्टा सीधा नहीं पता लग गया, ए का मान भी निकल गया डी का मान भी, इस एपी में तुम कितने पद बता दूं, बता दो मुझे एक दो तीन चार पता, मैं कहने लगा इस वाली एपी का सीधा निकालना 20वां पद निकाल दोगे, क्या लिखो बताओ, ए बीस एक ए बीस बराबर ए प्लस के 19d, ए का मान बताओ कितना, ए का मान माइनस के, माइनस वाला कैमरा रखे करो ताकि क्या ना हो, डी का मान बताओ माइनस वाला कहीं में रखना, अब बताओ माइनस के एक प्लस और माइनस क्या हो, माइनस पहले गुणा करनी 19 दूनी 38 माइनस के 39 नहीं बैठेगा, इसका मतलब पक्की बात है ये भी चलती जाएगी चलती 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 जाएगी, इसमें 20वें नंबर पर क्या आएगा, ए 20 का मान कितना है, ए 20 का मान कितना है, इस ए पी में 20वें नंबर पर माइनस के 39 आएगा, समझ में आया बात है, अगर कोई एपी दे रखी हो और उसको कोई सा भी पद निकालने को निकाल दोगे, चलो इस एपी का मैं कहने लगूँ इस एपी का तो मुझे 50वां पद बताओ, बताओ 50वां पद कैसे निकालोगे बताओ, 50वां पद ए 50 बराबर ए प्लस के 49 डी, यहाँ किसका मान लिखना, माइनस के 1 प्लस 49 गुना डी का मान, उसके बाद माइनस के 1 प्लस माइनस कितना, माइनस 49 दूनी कितना 98, माइनस माइनस प्लस 98, कौन सा नंबर का पद आया, इस एपी में 50वें नंबर पर क्या आएगा, माइनस के 99 है बेटे, तो बताओ अगर कोई एपी दे रखी हो, कोई एपी दे रखी हो उसमें तुम्हें ए का मान पता लग जा और डी का मान पता लग जा और कोई सा भी पद निकालना निकाल दे, अभी देखें पहले से उतारो, अभी देखें कितना निकालने वाले, भाई जी ने यार ऐसी ऐसी करके मार दी, कोई कुछ नहीं बोलना चाहता, प्लीज डोंट ट्रफ लैंग्वेज इन दिस क्लास, आई सिंसियरली रिक्वेस्ट यू, आई सिंसियरली रिक्वेस्ट यू प्लीज डोंट ट्रफ लैंग्वेज, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज स्पीक द बोर्ड, हेलो स्टूडेंट्स देखो अब ध्यान से समझना, अब तुमसे पूछा जाएगा ये वाला पद कैसे निकाल लगे और एक एक बच्चे का नंबर लगाया जाएगा, पता कैसे निकाल लोगे, देखो ध्यान से 10 ध्यान से 7 ध्यान से 1 एपी है 7 पद 10 घटाओ माइनस के 3 यहाँ तो कह रहा कहीं और ना कह दे मुँह छिट जा, 4 मतलब 7 घटाओ एक मतलब 4 घटाओ संबंध घटाओ माइनस के 3 तो इसका डी इसमें तो डी का मान माइनस के 3 ही जो संबंध तरह नो विसर्वान तो एपी है एपी है तो एक का मान बताओ 10 डी का मान बताओ 7 मतलब 10 घटाओगे 7 मतलब 10 दूसरे में तो पहले घटाना पहले दूसरे में घटाना माइनस के 3 डी का मान माइनस के 3 निकल गया, इस एपी में कितने पद दे रखे हैं, 4 ओ सुशील दिमाग आउट होगा तेरा, इस एपी में कितने पद दे रखे, 4 दे रखे और मुझे मुझे ना इस एपी का पता कौन सा पद निकालना, इस एपी का 5वां
नहीं इसे भी का मैं कहने लगा, तुम 10-15 पद निकाल लो, नाम तो निकाल लो। निकाल अच्छा 15 पद का मतलब समझ रहे ना, ये भी चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी, 15 नंबर पर क्या होगा, वो तो निकाल दोगे क्या बैठा का, ए प्लस 14 बैठा का, ए का मान बताओ, प्लस 14 गुना डी का मान, माइनस वाला किस में रखना, पहले जोड़ रहा की गुणा करनी, प्लस माइनस माइनस 14 42 घटाने में चर्चे माइनस के 32 बताओ इस एपी में 15 नंबर पर क्या आएगा, 15 नंबर इस एपी में चलते जाएगी चलते जाएगी चलते जाएगी 15 नंबर पर क्या आएगा, 32 माइनस के 32 आएगा, सही है गलत है, मैं कह रहा हूँ इस एपी का ना इस बार 15वां 18वां 100वां 150वां 1000 पद नहीं निकालना, कोई सा भी निकालना आराम तो निकाल दोगे तुम, एनवा पद निकालना, एनवा पद देखो कैसे निकालते हैं, तो एपी का एनवा पद निकालने खाली यहाँ लिखेंगे ए एन, जब यू बताओ ध्यान से सुना मेरी बात, बात उतार लेना उधर, एपी का निकालना हो अगर 10वां पद निकालना हो तो ऐसे लिखो ए प्लस के 9d, अगर 11वां निकालना हो ए प्लस के 10d, अगर 12वां निकालना हो ए प्लस के 11d, यानी जो भी चीज यहाँ चिन्ह है कम होगा, जो भी चीज यहाँ चिन्ह है कम होगा, जो भी यहाँ है कम हो रहा है, अभी मैंने कहा कि आपको निकालना है एनवा पद, तो एन लिख दिया मैंने यहाँ से, तो यहाँ लिखेंगे ए प्लस के, एन तो भाई कम करेंगे तो बैठेगा एन माइनस के वन, वो नहीं गायक कम इन टू डी सूत्र बन गया, बन गया सूत्र, बन गया सूत्र, कौन सा पद निकालना था एनवा, तो ए प्लस के एन माइनस के वन इन टू डी बन गया सूत्र, एनवा पद निकालना तो एन का मान हमें नहीं पता, तो एन का मान एन ही रखना, ये एनवाई पद, ए का मान बताओ कितना, ए का मान प्लस हमें नहीं पता एन का मान कितना, एन का मान एन ही रखना, वन इन टू डी, डी का मान बताओ माइनस वाला ब्रैकेट में रखे करो, कितना बैठेगा 10 प्लस माइनस के 3 के एन में गुणा करोगे तो माइनस के 3 एन नहीं बैठेगा, माइनस माइनस प्लस 3 निगम 3, कोई दिक्कत है यहाँ तक, बताओ कितना बैठेगा 10 प्लस माइनस माइनस 3 एन, उसके बाद कितना बैठेगा प्लस 3 10 में 3 जोड़ो 13 माइनस कितना 3 एन, घटने का नहीं इसके पीछे आने, इसके पीछे एन नहीं है, तो 13 माइनस 3 आना आया, ये आया ए एन का मान, ये ए एन का मान आया, किसका मान आया 13 माइनस की 3 एन, क्योंकि उसके पीछे एन नहीं है, तो एनवा पद आया, एनवा पद आया 13 माइनस की 3 एन, ये एनवा पद कौन सा, इस एपी का एनवा पद आया 13 माइनस की 3 एन, 13 में 3 घटा दोगे कैसे घटा दोगे, इसके पीछे एन होना चाहिए था, एन वाले के साथ एन वाले घट, एक्स वाले के साथ एक्स वाला घट, वाई वाले के साथ वाई वाला घट, तो एनवा पद निकालना निकाल दोगे, ये तो मैंने एनवा पद निकाल के दिखाया इस एपी का, मैं कहता हूँ एनवा पद नहीं निकालना, पिवा पद निकालना, पिवा ये लिखा उसके साथ एक से पी लिख दिया, ए बराबर ए प्लस के पी माइनस के वन इंटू डी, सूत्र तो अपना बना था तुम, सब बच्चों की रट्टा में रखा है, एनवा पद ही हो, उसने कहीं पीवा पद देख रहे क्या हो, ऐसी तैसी हो जाएगी, क्योंकि इसी जानकारी नहीं है ना, ऐसा ऐसा हो रखा है जुगाड़, ऐसे जुगाड़ हो रहा है, ए का मान होता है इतना, ए का मान 10 तो क्या बैठेगा प्लस पी माइनस के एक इंटू, हल कर लोगे सर, ऐसा ही नहीं है, ये बैठेगा 13 माइनस के 3 पी, ये जगह हल कर, क्योंकि सेम ही तो सारा सिस्टम ही है, ठीक है, देखो मैं ये नहीं कह रहा इस बार दूसरा सिस्टम निकालना, देखो ये समझ में आ रहा नहीं आ रहा तुम, ये समझ में आ रहा, पहले से नोट करो, नोट करो सर, इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ तुम्हें, चलो अब रुक जा रहा, हटाओ से हटा जा रहा है यहाँ से, अब सुन लो एक मिनट, सब बच्चों को तो बताया कि ए एन का सूत्र हो, ए एन का सूत्र हो तो सूत्र होते नहीं मैंने पढ़ा, क्या सूत्र बताया ए प्लस के, मैं तुम्हें कहता हूँ तुम ना ये तो छोड़ो, तुम इसका भी सूत्र बना दोगे एन प्लस के वन का, इसका क्या सूत्र होगा, देखो भैया क्या सूत्र बनाओगे तुम, देखो क्या सूत्र बनाओगे, ए प्लस एन प्लस के वन माइनस के वन इन टू डी बनाएंगे सूत्र, ए प्लस के एक तक माइनस के कट जाएगा, एन इन टू डी इसका भी सूत्र बना देगा तुमने, एन प्लस के वन, बच्चे का सूत्र तुम्हारे क्लास में बता नहीं सकते, बताने के नहीं पता ही नहीं उन्होंने हो क्या रहा, उसने कहा ए एन का सूत्र सुनाओ, ये बताया ए प्लस क्या है, बता देगा नहीं, एक काम करें ए उसके ब्रैकेट में लिखा नीचे एन प्लस के वन इसका सूत्र बताना, क्योंकि वो उसे जनरल तरीके से नहीं पता ना, गहराई में नहीं पता, सुन लो अभी रुक जाओ और सुनो, इतना ही नहीं इसको कहना कि ए ऐसा पैसे में लिखना एन माइनस के वन इसका सूत्र सुना, चलो नुकसान का तो किताब भी है, तो किताब भी है
आया समझो, थोड़ा किताब की दुनिया तो बाहर भी निकल जा, आ जाओ। कैसे कैसे कहा सूत्र तुम, a प्लस n माइनस के वन, फिर माइनस माइनस ही आगा, एक कम करना पड़ेगा ना, तो माइनस के वन इंटू में कितना d, तो बैठा का a प्लस के n माइनस माइनस प्लस नहीं होता, दो इंटू डी जाएंगे। ये सूत्र सुनो कहना, सूत्र होता नहीं बनाना पड़ेगा, सूत्र होता नहीं बनाना पड़ेगा। आया समझ में, एक एन माइनस के पता लग गया कैसा सूत्र बनाना, लेकिन इसे याद रखना तुम, ये जनरल जनरल फॉर्मूला हो, एन वे पद का फॉर्मूला पूछा, एन वे पद का क्या फॉर्मूला हो, ए एन बराबर ए प्लस के एन माइनस के वन इंटू डी, ए एन बराबर ए प्लस के एन माइनस, कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक, अब मैं जो समझाने जा रहा हूँ ध्यान से समझना सब बच्चे लोग, देखो ये हमारा ए एन बराबर ए प्लस के एन माइनस के वन इंटू डी, पांच पॉइंट दो नहीं पढ़ाई अभी, इसमें जो लिखा हुआ जहां, इसमें जो लिखा हुआ ना ए एन का मतलब एन वा पद, एन वा उसके बाद जो ए है ना इसका मतलब प्रथम पद, प्रथम एन का मतलब वो पदों की संख्या, कितने पद है इसमें, पदों की संख्या, पदों की संख्या, अब देखो कितनी मार चढ़ने वाली तुम, डी का मतलब सर्वांतर, सर्वांतर, अभी बताओ किसी सवाल में तुम ए एन का मान दे दिया, ए का मान दे दिया और एन का मान दे दिया, और क्या डी का मान निकालो, निकाल सको आराम से, निकाल दो यहाँ एन का मान लिख दो, यहाँ ए का या एन का, और हल करो किसका मान निकल जाएगा, डी का, किसी सवाल में तुम्हें ए का मान दे देगा, एन का मान दे देगा और डी का मान दे देगा, पूछे ए एन का मान निकालो, निकाल दोगे, अगर किसी सवाल में तुम दे दिया डी का मान दे दिया, ए का दे दिया, ए एन का दे दिया, एन का निकालो, निकाल दोगे, कोशिश करने का, पाँच पॉइंट चले जाओ दो में, पाँच पॉइंट दो में जाओ सब बच्चे, पाँच पॉइंट दो में जाओ, देखो पाँच पॉइंट दो के पहले सवाल पर टेबल दे रखिएगा, टेबल दे रखी, टेबल उस टेबल को पूरा पढ़ो, ऊपर देखो टेबल में ए का मान दे रखा, डी का नहीं, नहीं बता, अभी बता जा रहा हूँ, पहले समझ लो, कोई कुछ नहीं बोलना, समझ लो, ए का मान, डी का मान, एन का मान, ए एन का मान दे रखा इस तरह, इसमें पांच सवाल नीचे देखो, पांच सवाल क्रम वाइज इस टेबल में, पांच सवाल है, पहले सवाल में देखो पहले पार्ट में ए का मान कितना दे रखा, सात, डी का मान, एन का मान, किसका मान निकालना, डोटी डोटी नहीं कर रखा, अट्ठाईस नहीं लिखा, उसमें खुद ही रखा हुआ काट का, इसमें डैश डैश नहीं कर रखा, जहाँ डैश डैश कर रखा है ना वो मान निकालना, एन का मान निकालना, इसमें इसमें रख कर निकाल लोगे आराम से, यहाँ ए का मान निकालना, यहाँ एन का, यहाँ डी का निकाल लोगे, अगला पार्ट पढ़ो, अगला पार्ट, अगले पार्ट सेकंड पार्ट, ए का मान कितना, अरे इसमें इसमें ही दूसरा पार्ट, इसमें ही दूसरा पार्ट सवाल है, ए का मान अठारह, किसका मान, डी का मान याद करना, यहाँ डी का मान याद करना, समझ गए, उसके बाद चल जाओ एन का मान कितना दे रखा, दस, एन का मान कितना, जीरो, भर लोगे, कोशिश करना फिर पता करके बताना जी, उस वाले पार्ट का आंसर नहीं आया ये सारे सवाल करके लेगा नहीं, आगे चलो सब बच्चे लोग निशान लगाओ, क्वेश्चन नंबर दो पर जाओ, क्वेश्चन नंबर दो पर सवाल बढ़, खाली बैठा हुआ रुक जाओ, देखो सवाल, एक एपी दे रखी पूरी की पूरी, एक एपी दे रखी पूरी की पूरी, सात दस, कौन सा पद निकालना उसका, तीस पद निकाल लोगे आराम से, एक एपी दे रखी तीसरा पद आराम से निकाल लोगे, नीचे जाओ नीचे दूसरे पार्ट में, ग्यारह पद पूछ रहा है, एपी दे रखी है पूरी, नीचे इसमें सेकंड पार्ट, दूसरे का सेकंड पार्ट देने का, दूसरे का सेकंड पार्ट, ग्यारह ग्यारह निकालना बस, एग्जांपल पे चल जाओ, एग्जांपल चल जाओ, एग्जांपल नंबर तीन पे जाओ, इसमें ही पांच पॉइंट दो का एग्जांपल नंबर तीन पढ़ो, हाँ इसमें निकालना दस सौ पद, निकाल लोगे, निकाल लोगे, यहाँ तक के सवाल करके लेगा नहीं, यहीं तक के सवाल करके लेगा नहीं, आगे के सवाल में कल कराऊंगा, ठीक पांच पॉइंट दो में नहीं, एग्जाम्पल नंबर तीन बस, ओके यहाँ तक करके लेगा ना सारा का सारा, फिर कॉपी में काम चेक होगा, फिर कॉपी में यहाँ तक, पांच पॉइंट दो, यहाँ तक पांच पॉइंट दो के अंदर, पांच पॉइंट दो के अंदर मैं सवाल करवाने जा रहा हूँ, बताओ कौन सा सवाल करवाना, पहले का, पुलिस सारणी दे रखी है, पहले के पांच पार्ट, पहले का बच्चे कह रहे हैं फोर पार्ट, पांच पॉइंट दो के अंदर पहले का फोर पार्ट समझ लो, देखो सारणी के अंदर एक नीचे चल जाओ, एक नीचे के चौथे सवाल पर जाओ, एक का मान देखो कितना दे रखा है, एक का मान माइनस के अठारह पॉइंट नौ दे रखा, उसके बाद डी का मान देखो, डी का मान दो पॉइंट पांच, कोई भी सवाल नहीं छोड़ना, मैं भी कह रहा हूँ एन का मान निकालना, उसके बाद एन का मान कितना, थ्री पॉइंट, ये दिया गया सवाल क्वेश्चन में, और कल हम जो बच्चे नए आए थे यहाँ देख लो, जो एन वा पद हो उसका सूत्र हो, एन वा पद का, एन वा पद का सूत्र हो, ए एन बराबर एन माइनस के वन इन टू डी, ये सूत्र हो, सब बच्चा लोग ए एन का मान रख दो, इसमें ए एन वन तीन पॉइंट छः, तीन पॉइंट छः, ए का मान माइनस अट्ठारह पॉइंट नौ प्लस एन का मान निकालना, जो निकालना उसे ऐसे रखना होगा, माइनस के एक इंटू डी का मान दो पॉइंट पाँच, दो पॉइंट
कैसे करोगे, ये माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का, तो 3 + 18.9 बराबर एन माइनस के 1 × 2.5 जोड़ दो सो 8 × 9 = 15 8 × 3 = 11 11 × 12 = 2 भाई 2.5 हो जाएगा, एक अंक बाद पॉइंट आगे नहीं आगे बराबर × 2.5 बात ना करो, ये बटे में चले जाएगा 22.5 पॉइंट पॉइंट से क्या कट जाए पॉइंट 25 × 225 9 बराबर n माइनस के 1 माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का 9 प्लस के 1 बराबर कितना n n बराबर आ जाएगा 10 प्रैक्टिस करोगे तो बस कोई दिक्कत नहीं। कोई किसी बच्चे को अगर पहले के 5 पॉइंट दो के पहले के कोई से सवाल में तो कोई सा भी पूछना तो पूछ सकते हो, और जिन जो बच्चा नहीं पढ़ाने हो चैप्टर शुरू से पढ़ा रखा है यूट्यूब पर वीडियो पढ़ा तो सब जाकर देख लो, देख लो जो नहीं आया था आराम से मैसेज कर देना मुझे, मेरा नाम तो ग्रुप में मैसेज कर दूंगा, भेज दूंगा मैं ठीक। सेकंड का शुरू से दूसरे का सेकंड कोई बात नहीं देख लो एक बार, माइनस के 3, बात ना करो बेटे माइनस के 3, माइनस के 1/2 उसके बाद 2 डॉटेड 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 11वां पद याद करना, 11वां पद याद करना देख लो भाई, कहते हैं इस चैप्टर में एपी वाला चैप्टर एपी का मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो समांतर श्रेणी हो, जो सबसे शुरू में लिखा रहता है वो ए का मान हो और दूसरे पद में पहले पद को हटाकर डी का मान निकल जाए, डी का नाम हो सर्वांतर ठीक है। आ जाओ सबसे पहले ए का मान निकाल लो, ए का मान माइनस के 3, डी का मान इसमें से घटाए प्राप्त होगा, डी बराबर माइनस के 1/2 माइनस लगाया माइनस के 3, माइनस के 3 अंदर ब्रैकेट में रखना बेटे ये विशेष तौर पर याद रखना, इसलिए हम यहाँ चक्रा खा रहे होंगे, माइनस के 1/2 माइनस माइनस प्लस 3, डी बराबर आने वाला 3 × 2 = 6 माइनस के 6 तो यूनिट आएगा 5/2 पता लगे 5/2 कैसा रहा, इसका एलसीएम लेने के बाद देखो ऐसा हल करोगे 2 गुणा कर दोगे माइनस के 1 प्लस के 3 × 3 = 6 तो 6 में घटाओगे तो 5/2 हो जाएगा, ए का मान निकल गया डी का मान निकल गया। किसी भी एपी के अंदर एक और डी का मान ऐसे निकालते हैं जो स्टार्टिंग में होगा वो ए का मान होगा और दूसरे पद में से पहला पद घटाकर हमेशा डी का मान प्राप्त होगा, एपी वह होगी जिसके सभी पदों का अंतर समान होगा, आए समझ में, 2, 4, 6, 8 ये लिखा हुआ एपी पूरी की पूरी, इसे एपी को हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं समांतर श्रेणी कहते हैं, देखो 4 में 2 घटाया 2 6 में 4 घटाया 2 इसका मतलब ये एपी है जब सभी पदों का अंतर समान है, सब में 2 घटाया बच रहा है, जो ऋण 2 बचे 3 नहीं बच सके कितने बच सके सेम आना चाहिए वह एपी होगी, एपी में जो स्टार्टिंग में होगा ए का मान होगा, दूसरे पद में से पहला पद घटाओगे डी का मान होगा, पिछली वाली वीडियो में सब पढ़ाया हुआ बहुत आराम से पढ़ाया हुआ 5.1 का प्रत्येक सवाल करवाया और सारे सवाल हो भी जाएंगे, लगन होनी चाहिए तुम्हारे भीतर पढ़ने की। ए का मान निकल गया डी का मान निकल गया, जब ए का डी का मान निकल ही गया उसके हम के बाद हम क्या करने वाले, कौन सा पद निकालने वाले, 11वां पद निकालने वाले, ए 11 बराबर ए प्लस के 10d, तो ए 11 बराबर ए का मान बताओ माइनस के 3 प्लस 10 डी का मान कितना, डी का मान 5/2 तो काट दो 2 × 5 = 10 ए 11 बराबर माइनस के 3 प्लस 5 × 5 = 25 25 में 3 घटाओ 11 बराबर कितना 22 ये इसका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत है बच्चों यहाँ तक, उसके बाद हम तीसरे सवाल की तरफ बढ़ रहे 5.2 के, सब बच्चे उतारो पहले से सुनो मेरी बात, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चले जाओ वो क्वेश्चन नंबर थर्ड को पढ़ो बेटे पढ़ो, उसके अंदर ना बहुत सारे पद दे रखे, बहुत सारे पद जो खाली स्थान दे रखे, रिक्त स्थान दे रखे, उन्हें ना हमें भरने, और ये भरना जिसने सीख लिया ना हाँ ठीक ठाक तरीके सवाल सीख चुका हो, आ जाओ आओ बच्चों तुम्हें खाली स्थान भरना सिखाते हैं। तीसरे नंबर पर जाओ, पहले नंबर पर 2 के बाद बॉक्स लगाया होगा कोमा 26 गाड़ी चलती जा गया, इसके बाद कुछ सप्ताह रहेगा मुझे नहीं पता, ये कह रहा है एपी है
सवाल मुझे क्या क्या से पता लगा, तीसरा सवाल पढ़ लो। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त स्थानों यानी बॉक्स को पदों को भरिए। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में, खुद ही निकाल सुना, यानी नीचे दिए गए समांतर श्रेणियों में एपी है या खुद ही कहा सुना समांतर श्रेणियों में, इसका मतलब ये पक्का एपी एपी है या समांतर श्रेणी है या कह रहा। दूसरा पद क्या होगा, दूसरा पद हमें ज्ञात करना है। देखो कितना बेहतरीन स्टाइल बताऊंगा तुम, कैसे सोचना और कैसे लिखना, समझ गए। सबसे पहले जो स्टार्टिंग में लिखा हुआ है, स्टार्टिंग में वो किसका मान है, ए का, ए का मान मिल चुका आराम से। कोई भी एपी हो उसमें ए का मतलब वो प्रथम पद, स्टार्टिंग में प्रथम पद फर्स्ट टर्म ऐसे निकालते हैं, ऐसे निकाल लिए। अगर ये वाला पद होता घटा के दूसरा पद निकल जाता आराम से, दूसरा पद नहीं डी का मान निकल जाता। अब डी का मान नहीं है कि 26 में दो घटाओ बैठे, दूसरे में पहला घटाए जा, ये तो है नहीं हमारे पास, ये तो मैं निकाल लू। इतना बात बताओ समझ में नहीं आई, डी का मान इसमें निकाल नहीं सकते, निकाल लोगे डी का मान तो दूसरे पद में पहला पद घटाया जा। अब बताओ दूसरा पद यहाँ खाली, तो खाली मतलब क्या, दो घटाऊ 26 में तो खाली घटाऊ, इसका मतलब डी का मान तो निकाल सकते। जब ए का मान तो निकाल, क्या समझ, डी का मान निकाल नहीं सकते। निकालना कौन सा पद, दूसरा पद। यहाँ देखो जो जोन सा पद निकालना है उसे लिख लो साइड में, इसे हम बता क्या लिख सकते हैं, दूसरा पद निकालना, इसे लिख सकते हैं ए प्लस के एक डी। ये कह रहा है मैं दूसरा पद हूँ, मुझे ना बाबू तुम जब निकाल सकते हो, जब यहाँ ए का मान रख दो डी का मान रख दो। मैं बोल रहा बाबू मेरे पास ए का मान तो है डी का मान है नहीं, यही फंस रहा है पेंच, क्या फंस रहा, समझ गए। अरे भाई हमें दूसरा पद निकालना नहीं निकालना, तो दूसरा पद निकालना तो कैसे निकाल लो, ए टू बराबर ए प्लस के एक डी हो, तो ए का मान तो मेरे पास है, किसका मान नहीं है, और डी का मान ऊपर तो निकल भी ना, तो यही क्या फंस गया पेंच। तो फिर बता ये पेंच कैसे खुलेगा, जो दे रखा है ना उससे निकाल लो, ये पहला पद दे रखा है, ये क्यों दे रखा है, ये तीसरा पद, इससे ही काम बनेगा, जो तीसरा पद दे रखा है ना इससे काम बनेगा। अब बताओ तीसरा पद कितना दे रखा है, लिख देखा दिया है, कितना दे रखा है, ए थ्री बराबर 26, ए थ्री बराबर कितना दे रखा, मैंने कई बार समझाया मैं एडजस्ट नहीं करता, ऐसा बंदी थी मेरी ड्रग्स छोड़ दिया मैंने। ए थ्री बराबर कितना 26, ए थ्री बराबर 26। अब ये ए थ्री हो बाबू, ए थ्री को मैं ऐसे लिख सकते, ए थ्री को ए थ्री के बराबर ए प्लस टू डी लिख नहीं सकते, जहाँ इतनी चीज दिख जाए लिख सकते, जहाँ इतनी चीज दिख जाए नहीं लिख सकते। अगर यहाँ तीन है तो यहाँ दो आगा, अगर यहाँ पाँच है तो यहाँ चार आगा, दस है तो यहाँ नौ आगा, एक यहाँ कम करके आगा मेरे। अब बताओ ए थ्री की जगह लिख सकते ए प्लस के टू डी, ए थ्री को हटाओ इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, ए प्लस के टू डी बराबर 26। ए थ्री की जगह मैं नहीं लिख सकेगा, साइड में ऐसा करके लिख दोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अब बताओ ए की जगह कितना लिख देंगे, अगर मैं यहाँ मई का मान यहाँ दो रख दूंगा, हल कर लूंगा, तो यहाँ से डी का मान निकल जाएगा, और जब ए का डी का निकल जाएगा, ए का यहाँ रख दूंगा डी का यहाँ रख दूंगा, दूसरा पद निकल जाएगा, बॉक्स भर जाएगा। देखो उसके बाद यहाँ इसे समीकरण एक मान लो, एक का मान कितना है का मान दो, दो प्लस के दो डी बराबर कितना 26, दो प्लस का दर जाओ माइनस का 26 माइनस के दो, तो टू डी बराबर कितना जाएगा 24, दो तो काट देंगे, दो ही कम दो, दो दूनी चार, डी बराबर कितना 12। मैंने कई बार समझाया एडजस्ट नहीं करता। कौन सा पद निकालना, दूसरा पद, लाओ से फ्रंट पर बुला लो बाबू, दूसरा पद ए प्लस के एक डी, ए का मान बताओ कितना, ए का मान, अब तो दिक्कत नहीं है, एक गुना डी का मान, अब तो मौज कर दी, 12 × 12 = 14 बैठा का, यहाँ तो बताओ कोई दिक्कत कहाँ था, इसमें दिक्कत नहीं है। अब देखो दिक्कत कहाँ फंसने वाली, सेकंड वाला क्वेश्चन देखो, उसका सेकंड वाला आया नहीं मजा, मैंने कहा था नहीं मजा आने वाला इसमें, आ हा हा देखो कितना मस्त आने वाला है इसमें, आ हा हा वाओ क्या मस्त। एपी भी एक प्रकार की, देखो करना वाला, करने वाले क्या, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना तो सबसे पहले ये देखो निकालना क्या, पहला पद निकालना और तीसरा पद निकालना, जो निकालना पहले उसे फ्रंट पे लिखो, फ्रंट पर लिखो पहले जो निकालना, नहीं पहले पहले वो लिखो जो दिया रखा, इसे छोड़ दो, पहले लिखो दिया, क्या क्या दे रखा, 13
ये कौन सा पद है? पहला दूसरा? दूसरा। ये दूसरा पद आपने कहा है, दूसरा पद है। दूसरा पद का मतलब ए टू का मान है। ए टू का मान कितना? 13। और आपको ये भी पता कि जो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, ए फोर का मान कितना बैठे? 3। और आपको ये भी पता जो दूसरा पद आपने ऐसे लिख सकते हैं ए प्लस के एक डी लिख नहीं सकते बराबर में 13। और समीकरण एक लिख सकते आप ऐसे लिख सकते हो ए प्लस के 3D बराबर 3। समीकरण कितनी होगी? 2। अगर इन दोनों समीकरणों को ऐसे ऐसी समीकरण थी, ऐसे ऐसे समीकरण को हल करके एक्स और वाई का मान निकलता, यहाँ ए और डी का मान नहीं निकलेगा। और जब ए और डी का मान विलोपन विधि हल करके आ जाने वाला, फिर तो चाहे कुछ भी निकाल लो, पहला पद निकाल लो, चाहे तीसरा निकाल लो, चाहे आठवा निकाल लो, चाहे 18वां निकाल लो, मेन चीज क्या हो? ए का और डी का मान। और इन दोनों समीकरण को हल करके ए डी का मान निकालते हैं। ए लिखा हुआ प्लस के एक डी लिखा हुआ बराबर कितना लिखा हुआ? 13। दूसरी समीकरण से नीचे लिख देंगे ए प्लस के 3D बराबर क्या लिखा हुआ? 3। 13 का लिखा हुआ नहीं चढ़ रही, अरे चल पढ़ लो भाई। प्लस का माइनस का माइनस माइनस धड़क धड़क विलोपन विधि लग रही है। और क्या लग रहा है यहाँ? कट जाने वाली है। घटाओगे तो माइनस के 2, माइनस के 2D बराबर घटाओगे तो माइनस का प्लस के 10। अपोन में लेके चले जाओ इसके, डी बराबर 10/2 वो भी माइनस के 2 × 5 = 10। तो डी बराबर कितना आया? डी का मान माइनस के 5 आया। डी का मान उठाओ, समीकरण एक के अंदर रख दो, समीकरण 2 के अंदर रख दो। तो बताओ ये लिखेंगे समीकरण एक से, और समीकरण एक क्या है हमारी? ए प्लस एक डी बराबर किसका मान निकला? डी का। डी का मान माइनस के 5 रख दो, यहाँ जाएगा रख दो, माइनस 5 ही आ जाएगा यहाँ से, चाहे ब्रैकेट में रख ले या ब्रैकेट के बाहर रख ले, समझ गए? माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। ओके भाई जी, ओके भाई जी, जी भाई जी आ जाएगा 18 जी। ओके जी भाई जी, भाई जी आ जाएगा 18। एक का मान भी आएगा, अब डी का मान भी। जी भाई जी कौन सा पद निकालना? ए का। प्रथम पद निकालना, तो प्रथम पद का मतलब A1 का मतलब तो A ही हो, तो A का मान कितना है? 18। चलो इस बॉक्स में भर देंगे 18। अब पहला, दूसरा, तीसरा, अब कौन सा निकालना? तीसरा। तीसरे को क्या लिखेंगे? A3 A प्लस के 2D। अच्छा ये भी दम लगा रहे हैं। A का मान बताओ 18, जिनकी उत्पत्ति कुछ दिन पहले ही हुई है यहाँ पर। डी का मान बताओ, डी का मान माइनस वाला ब्रैकेट में रखते हैं, उसके बाद 18 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5×5 = 10 आ जाएगा, घटाएंगे तो 8 आ जाएगा, सवाल चाट लेंगे, ठीक है? ओके, ऐसे करके इसको उतार लेंगे। और भैया ये जो ये दूसरे वाला दिया गया है ना, दूसरे वाले नीचे वाला रिक्त स्थान दिया गया, ऐसे ही करना है, नहीं हो तो हम तो पूछ रहे हो ना, ठीक है? तो रोको रो, 5.2 का तीसरे का कौन सा सवाल करवाना चाह रहे हैं? सब बच्चों की फरमाइश से 5वां, तीसरे का 5वां सवाल, अधिकांश बच्चों की फरमाइश 5वां। डोंट ट्रप लैंग्वेज, पांचवा क्वेश्चन, पहले बॉक्स दिया हुआ, कह रहे भरोसे, क्वेश्चन कह रहे भरो भाई से, 38 बॉक्स दिया हुआ, बॉक्स दिया हुआ, 3 बॉक्स दिए हुए, माइनस के 22। सबसे पहले उसे लिखने वाले जिस जो दिया हुआ, और वहां से हल करके ए डी का मान निकालने वाले। और मैंने कई बार बताया जिस बच्चे पास ने ए और डी का मान, इसको चाहे कुछ भी निकलवा लो। सबसे पहले देखो पहला पद दे रखा है, पहला पद दिया, कौन सा पद दिया? तो सबसे पहले लिखने दिया है, लिख दोगे ए टू का मान कितना? 38, कोमा लगाओ, 1, 2, 3, 4, 5, 6 छठा पद सुधर जा, 22 ये तो दिया हुआ। ए टू को मैसे नहीं सकते ए प्लस के एक डी लिख ना सकते, 38 नहीं है, समीकरण एक नहीं है, इसको ए सिक्स को मैसे ना लिख सकते ए प्लस के 5D, एक कम करके लिखने वाले ना, बराबर माइनस के 22 बराबर समीकरण 2। विलोपन विधि ना लगा देंगे, यहाँ प्लस का चिन्ह तो माइनस का हो जाएगा,
प्लस का चिन्ह तो माइनस क्यों नहीं जाएगा? माइनस का चिन्ह तो प्लस का जाने वाला। इसकी वैलिडिटी खत्म, इसकी वैलिडिटी खत्म। धड़क पांच डी, पांच डी में से एक डी घटाओगे माइनस की चार डी ना जाएगा बराबर। बाईस अड़तीस, बाईस जोड़ दोगे बैठा के पचास नहीं बैठने वाला। डी का मान ना निकाल लोगे आधी निकाल माइनस का जाएगा प्लस का। अभी गुणा मो हाँ डी बराबर साठ बटे चार, पंद्रह चौका साठ, डी बराबर माइनस के पंद्रह। डी का मान उठाएगा भाई जी, किसे विश्वास नहीं करते समझ में आवाज के। दो दो काम भाई जी कभी नहीं करते, एक विश्वास नहीं करते, दूसरा कभी एडजस्ट नहीं करते। बस डायलॉग बन गए थे जो ठीक है, ये खुद ही पॉपुलर कर देंगे नुगांगे अपना को जाकर। मैं एडजस्ट नहीं करता इधर देख लो डी का मान निकलेगा, डी का मान ठहर समीकरण एक में रख दो। समीकरण एक से समीकरण एक क्या है? ए का मान को माइनस के पंद्रह, प्लस के डी बराबर माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का, डी बराबर अड़तीस प्लस के पंद्रह, डी बराबर अड़तीस में पंद्रह जोड़ दो ए का मान, ए का मान प्लस सेम ऐसी प्लस डी का मान कितना, डी का मान माइनस के पंद्रह, माइनस वाला ब्रैकेट में रख लो बराबर अड़तीस प्लस माइनस माइनस पंद्रह बराबर अड़तीस, इधर जाएगा तो प्लस का अड़तीस प्लस के पंद्रह जोड़ दो कुछ दिक्कत। कौन सा पद निकालना, पहला पद जो निकालना है फ्रंट प्ले कराओ। ए वन बराबर ए ही तो एक मान तिरपन आया, दूसरा पद है, अब कौन सा पद निकालना? एक मान लिखना, डी का मान लिखना, एक मान बताओ कितना तिरपन, कोई दिक्कत यहाँ तक तिरपन, यहाँ तक चिन्ह आएगा प्लस का, क्या लिखा है दो गुना डी का मान, 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 लेकिन ब्रैकेट में रखना हो, ब्रैकेट में रखना हो ताकि गलती ना हो। बराबर लगाओ, क्या लिखा हुआ प्लस माइनस पंद्रह दूनी आधे नुगो पंद्रह में दो तिरपन में दो जोड़ रहे, फिर करें जी आंसर नहीं आना मेरा, ऐसा आ रहा आंसर, पहले गुणा करनी पड़ती है, बोर्ड मास्क करनी क्या, पहले गुणा करो घटाओ गलत हुआ ना फिर देख लेना। अब कौन सा पद निकालना, चौथा, क्या लिखोगे ए प्लस के थ्री डी, जितना है उससे कम करके लिखोगे, बराबर लगाओ किसका मान लिखोगे, एक मान, एक मान, एक मान, एक मान, एक मान, तिरपन किसका मान लिखोगे, तीन, पहले गुणा करोगे प्लस आ गया यहाँ से बराबर लगाओ तिरपन माइनस पंद्रह दिया फोर्टी फाइव, घटाओ कौन सा निकाल लोगे भैया पांचवा, यहाँ का रख दोगे, यहाँ डी का रख दोगे, खुद ही निकाल दोगे, जाकर तो आंसर है निकाल दो, मजा आ रहा नहीं है, ठीक है नोट कर लो सर। पाँच तीस, पाँच बजे तीस है ना, सारे पार्ट खुद करने हैं, स्वयं करने हैं, सारे ऐसे ही होंगे।